हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकंड ईयर भूगोल का थर्ड चैप्टर वायुदाब व वायुदाब की जो बेटियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सामने आपको जैसे दिखाई दे रहा है, ये पत्रिका या फिर ग्रुप का जो मॉडल कह दीजिए, जिसके ऊपर हमने विभिन्न जो बेटियां दिखाई हैं यहाँ पे अलग अलग वायुदाब की बेटियां। उससे पहले जैसे वायुदाब क्या, हमने वायुदाब क्या है, जो ये कॉलम है आपका धरातल के ऊपर जैसे प्रत्येक चीज़ का वस्तु का भार रहता है, उसी प्रकार से पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण से हवा की जो है प्रेशर डालती है, उसका भी भार जो है धरातल के ऊपर पड़ता है। उसी को जो प्रति इकाई पर उसके ऊपर जो स्थित वायु स्तंभ है, पूरे वायुमंडल का जितना भी आपकी हाइट है वायुमंडल की, उसके जो भार है उसको हम जो वायुदाब के रूप में परिभाषित करते हैं। ये जो है पूरे धरातल के ऊपर अलग अलग प्रकार से हम इसका जो वितरण दिखाते हैं, जैसे क्षैतिज रूप से किस प्रकार का है धरातल के समानांतर रूप से, दूसरा उसका वर्टिकली किस प्रकार का है, ऊर्ध्वाधर जैसे वायुदाब का वितरण किस प्रकार का है। तो आज हम जैसे जो क्षैतिज वितरण है वायुदाब का उसके आधार पर कुछ अलग अलग क्षेत्रों पर विशेष क्षेत्र हैं, जैसे वहाँ एक बेल्ट का निर्माण होता है, एक कटिबंध का निर्माण होता है, तो उसका अध्ययन हम आज करेंगे। ये दो प्रकार की जो कारक होते हैं, दो प्रकार के जो है इसके जिसके कारण से ये इनका निर्माण होता है, एक तो होता है गति जनित और दूसरा होता है ताप जनित। गति के कारण से वायुदाब की पेटियों का निर्माण हुआ है, दूसरा है ताप के कारण से वायुदाब की जो पेटियाँ हैं उसका निर्माण हुआ है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध, एक तो ये है 10 डिग्री से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और जो है इसी प्रकार से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये निम्न दाब का जो कटिबंध है इसका निर्माण जो है ताप के कारण से हुआ है। और दूसरा जो ध्रुवीय क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है जैसे ध्रुवीय उच्च दाब का, ये जो है वो ताप के कारण से इसका निर्माण हुआ है। ताप का किस प्रकार से होता है के कारण से, ये भूमध्य रेखीय जो है वो निम्न दाब, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इस कारण से पूरा वर्ष जो सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं इस कारण से तापमान बहुत ज्यादा होते हैं। और हमें पता है कि तापमान जहाँ ज्यादा होगा वायुदाब वहाँ पे कम होगा, और जहाँ पे तापमान कम है वहाँ पे वायुदाब ज्यादा होगा। यहाँ सूर्य किरणें लगातार जो पूरे वर्ष जो तिरछी पड़ती हैं, इस भाग में सूर्य तक बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, इस कारण से यहाँ टेम्परेचर लो रहते हैं और उसके कारण से जो वायु है वो शीतल होती है, सघन होती है, उसमें नमी जो है ना के बराबर होती है, इस कारण से इस क्षेत्र के अंदर उच्च वायुदाब पाए जाते हैं। तो ये जो दो कटिबंध है जैसे ध्रुवीय उच्च दाब और भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध, ये दोनों ताप जनित है, ताप के कारण से इनका निर्माण हुआ है। इसके बाद जैसे दो बेल्ट है, दो पेटी है, एक तो ये है आपके उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध जो कि 23.5 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है, और दूसरा है उप ध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध, ये 45 डिग्री से 66.5 डिग्री तक दोनों युगों में बात कर रहे हैं हम। ये कॉमन रहेगी बेल्ट आपकी सिर्फ एक भूमध्य रेखीय जो निम्न दाब की कटिबंध है ये कॉमन है दोनों युगों में, क्योंकि बीच में कोई स्पेस नहीं है। उसके बाद दोनों जैसे हमने ये बात करी तीनों के बारे में, उपोष्ण उच्च दाब, उप ध्रुवीय निम्न दाब और ध्रुवीय उच्च दाब, ये तीनों ही जो पेटियां हैं ये दोनों गुलाबों में समान अक्षांशों के बीच में पाई जाती हैं। अब ये ताप जनित पता है आपको, जैसे ताप के कारण से यहाँ तापमान अधिक होने के कारण से निम्न दाब पाया जाता है और यहाँ तापमान कम होने के कारण से वायुदाब ज्यादा मिलता है। अब ये दो जो पेटियां हैं ये है गति जनित, दो प्रकार के कारक बताए जैसे हमने, जो दाब पेटी है वो दो कारकों से बनती है, एक तो ताप जनित होती है और दूसरी गति जनित। तो गति जनित में आती है आपकी दोनों पेटियां, ये एक है उपोष्ण उच्च दाब, इसका निर्माण किस कारण से हुआ है, वायु के अंदर जो क्षैतिज रूप से और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो संचरण होता है उसके कारण से इसका निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से इसका भी जो वायु है उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होने के कारण से इस पेटी का निर्माण हुआ है। अब सबसे पहले बात करते हैं जैसे भूमध्य रेखीय निम्न दाब कटिबंध, तो सबसे पहले यह है 0 डिग्री से यानी भूमध्य रेखा से दोनों तरफ दोनों युगलार्धों में 10 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में जो क्षेत्र है इसके अंदर भूमध्य रेखीय निम्न दाब प्रतिबंध पाया जाता है, वायुदाब जो है कम पाए जाते हैं।
इसका कारण क्या है, इस बेटी के निर्माण का कारण क्या है? इसके दो तीन कारण हैं। एक तो ये है कि इस क्षेत्र के अंदर हम जैसे बात की इस क्षेत्र के अंदर जो सूर्य किरणें हैं वो लगातार सीधी पड़ती हैं, पूरा वर्ष भर जो है लंबवत रहता है सूर्य, इस कारण से सूर्य तक की मात्रा सबसे ज्यादा प्राप्त होती है, तापमान यहाँ पे ज्यादा होता है। तो तापमान का इसके साथ में उल्टा संबंध है वायु दाब के साथ में, यानी जहाँ पे तापमान ज्यादा होगा वायु दाब क्या होगा, कम होगा। कारण क्या है कि तापमान से क्या होगी, हवाएं जहाँ फैल करके ऊपर उठ जाएंगी या फिर स्थान को एक्सपेंड हो जाएंगी, वो ज्यादा जगह को घेरेंगे, इस कारण से जो वायु के कण है वो विरल हो जाते हैं, उसकी सघनता जो कम हो जाती है, इस कारण से क्षेत्र के अंदर जो है वायु दाब कम मिलता है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि इस क्षेत्र के अंदर तापमान ज्यादा होगा तो उसमें वाष्पीकरण भी इस क्षेत्र के अंदर ज्यादा होगा, और जलीय क्षेत्र बहुत करता है इसके अंदर जैसे, तो इस कारण से यहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा ज्यादा होती है, नमी की मात्रा जो वायु के अंदर ज्यादा होगी, तो जहाँ नमी ज्यादा होगी वायु के अंदर तो वो शीतल और जो शुष्क वायु है या फिर हम कहें कि जो जिसके अंदर नमी कम है उसके अपेक्षा वो जो है हल्की होगी, इस कारण से इस क्षेत्र के अंदर जो वायु दाब कम पाया जाता है। एक और कारण है इसका, इसके निर्माण का तीसरा कारण क्या है कि जो पृथ्वी का जो अपकेंद्रीय बल है, अपकेंद्रीय बल क्या है, कोई भी जैसे दशत्रिनुमा है या फिर इस प्रकार की गोल गोल घूमती हुई चीज है, उसके अंदर कोई भी जैसे पदार्थ है उसके ऊपर कोई चीज रखनी है तो बाहर की तरफ उसको फेंकने का प्रयास करेगा। जैसे टायर का हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे टायर होता है उसके अगर कोई मिट्टी वगैरह चिपकी हुई है तो जैसे ही किसी गाड़ी को दौड़ाया जाएगा तो उससे टायर से जो मिट्टी चिपकी हुई है वो बाहर की तरफ छिटकना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या है अपकेंद्रीय बल है, यानी बाहर की तरफ उसका धक्का लगाती है, और वो जो प्रक्रिया है उसके किनारों की सबसे ज्यादा तीव्र गति से होगी, न कि बीच का जो भाग उसकी वहां पर होगी। इसी प्रकार से जो पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा कहाँ है, जो इक्वेटर का जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा जो गति करती है 1600 किलोमीटर के आसपास प्रति घंटे की दर से 1600 किलोमीटर की गति जो ये करती है, ध्रुवों के बाद जो है गति बहुत कम होती है। इस कारण से जो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है बाहर की तरफ फैलने का जो कार्य है वो सबसे ज्यादा इस क्षेत्र के अंदर रहता है। यही कारण है कि दो तीन कारण जैसे बताया आपको, इसके कारण से इस क्षेत्र के अंदर निम्न दाब कटिबंध का निर्माण हुआ है। उसके बाद है दूसरी जो पेटी है, दूसरा जो कटिबंध है हमारा, वो है 23.5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक, दोनों एक गोलार्ध की बात करें हम, कर्क रेखा से 23.5 डिग्री नॉर्थ तक और इसी प्रकार से मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश है उससे लेकर के 35 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है उसके बीच वाले क्षेत्र में इस पेटी का निर्माण हुआ है। नाम है इसका उपोषण उच्च दाब, उपोषण यानी उपोषण जो क्षेत्र है उससे मिलता जो क्षेत्र है संक्रमण क्षेत्र एक प्रकार का, तो उपोषण के नाम से इसको जाना जाता है, उच्च दाब मिलता है, हाई प्रेशर मिलता है, इसलिए इसका नाम उपोषण उच्च दाब। तो उपोषण उच्च दाब का निर्माण कैसे हुआ, इसका इस पेटी का निर्माण कैसे होता है, इसके बीच जो कारण है जैसे हम बात करते हैं, एक तो ये है कि यहाँ पे जैसे हवाएं चली आपकी, ये जो हवा है यहाँ कन्वेक्शन जो करंट चले यहाँ पे गर्म होकर के हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म होकर की हवा हल्की हो जाएगी, विरल हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठ रही, इस प्रकार से कन्वेक्शन जो करंट चलती है यहाँ से उठती है हवाएं और वो जाकर के वहाँ ऊपर वायुमंडल में ठंडी होती है, ठंडी होकर क्या होंगी ना ताप प्राप्त करेंगी और उनको नीचे बैठने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, तो यहाँ से तो पहले ही हवाएं उठ रही है, कन्वेक्शन जो करंट चल रही है, आपकी शायद धाराएं चल रही है, यहाँ पर वो बैठ नहीं पाती वापस, तो वो क्या करती है यहाँ से चल करके और जो उत्तरी अक्षांश है यहाँ जो 20 से 30 डिग्री के बीच के अक्षांश है वहाँ पर जाकर उतरती है, दोनों ही गुलाब में क्या इस गुलाब में और इस गुलाब में। एक तो ये कारण है कि यहाँ से उठी हुई हवाएं जो है जाकर के 20 से 30 डिग्री के अक्षांश है दोनों गुलाब के अंदर वहाँ को जाकर नीचे की तरफ बैठती है और जब बैठते हैं उसके कारण से संपीड़न के कारण से उसका जो दाब है वो बढ़ जाता है। दूसरा कारण क्या है, यहाँ जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन करती है, परिक्रमा करती है, तो जो घूर्णन करती है अपने अक्ष के ऊपर जो 24 घंटे चक्कर लगाती है उसके कारण से जैसे यहाँ पर हमने बताया घूर्णन के कारण से अपने बल के कारण से हवाएं ऊपर की तरफ उठती है, ये हवाएं भी इस तरफ जो क्षेत्र है वहाँ की हवाएं जो है इस तरफ जो आ जाती है यहाँ पे आकर के रुकती है, उनका स्थानांतरण हो जाता है, इस क्षेत्र के अंदर जो हवाएं इकट्ठी हो जाती है, एक तो विषण के कारण से यानी कि यहाँ से ये जो क्षेत्र है यहाँ से उठी हवाएं यहाँ पे विषण करती है नीचे की तरफ वो उतरती है, दूसरा जो पृथ्वी घूर्णन के कारण से इस क्षेत्र से हवाएं जो है इस क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो यहाँ पे वायु जो है
की संख्या बढ़ जाती है जिससे वायुदाब में बढ़ोतरी होती है और ये जो उपोष्ण धातु का निर्माण होता है गुलगुल धातु में। तीसरी जो बेटी हमारी वो है उपद्रवीय निम्न दाब बेटी जो कि 45 डिग्री नॉर्थ से 86 डिग्री नॉर्थ तक, और दूसरा इसका ये उत्तरी गोलार्ध में इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में देखेंगे 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से 86 डिग्री यानी कि जो आपका आर्कटिक सर्कल है आर्कटिक सर्कल है उस तक जो है इस बेटी का विस्तार है। और ये है निम्न दाब बेटी, आप देख रहे हैं जैसे सबसे पहले निम्न दाब बेटी थी उसके बाद उच्च दाब है फिर निम्न दाब है उसके बाद में लास्ट में फिर आएगी उच्च दाब बेटी। तो उपद्रवीय जो निम्न दाब बेटी है ये आपके 45 से 86 डिग्री के बीच में दोनों गोलार्धों के अंदर पाई जाती है। इसके निर्माण का क्या कारण है, इसके बनने का क्या कारण है, यह वजह से अब ये तो कारण अभी बताया था कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण से केंद्रीय बल के कारण से वो शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे स्थानांतरित हो जाती है कुछ हवाएं, तो इसी कारण से यहाँ पे स्पेस हो गया, वैक्यूम हो गया, उसके कारण से वायुदाब कम हो गया। दूसरा एक दो कारण है, यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे आते हैं जो अटलांटिक ओशियन है या फिर जैसे हम ये कहें कि आपका प्रशांत महासागर है उन क्षेत्रों से होते हुए जो है इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करते हैं, तो उन चक्रवातों के कारण से अवदाबों का निर्माण होता है, कम वायुदाब वाले क्षेत्रों का निर्माण होता है, इसके कारण से भी जो है यहाँ पे वायुदाब कम होता है। एक और कारण है यहाँ पे जो सागरी करंट चलती है सागरी धाराएं चलती हैं उसके कारण से भी यहाँ पे वायुदाब में कमी आती है। वो किस प्रकार से, यहाँ पे जो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं वो इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं, उपद्रवीय क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। अटलांटिक महासागर है उसमें भी, और इस प्रकार से प्रशांत महासागर है उसके अंदर भी ये गर्म जल धाराएं इस प्रकार से जाकर के क्षेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं, यहाँ की जो सतह है या फिर जो सागरीय जल है उसके आसपास के क्षेत्र का टेम्परेचर को बढ़ा देती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वायुदाब कम हो जाएगा, गर्म होकर के वायु जो है विरल हो जाती है। तो ये इस कारण से जो है इस उपद्रवीय निम्न दाब पट्टी का निर्माण हुआ है। सबसे जो आखिरी है इसके अंदर वो है ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी, ये आपकी 80 डिग्री से 90 डिग्री यानी पोल तक, 90 डिग्री तो आपका एक पॉइंट है तो 80 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो है ये ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी पाई जाती है दोनों गोलार्धों के अंदर, उत्तरी गोलार्ध के अंदर और दक्षिण गोलार्ध के अंदर दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय उच्च दाब पट्टी पाई जाती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण भी ये यहाँ पे जैसे हमने पहले बात करी थी अभी कि ये ताप जनित है तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होते हैं तो इसके कारण से जो हवाएं शीतल होती हैं, वाष्पीकरण भी बिल्कुल ना के बराबर होता है, इस कारण से जो है नमी की मात्रा न होने के कारण से सघन होती है वायु, और टेम्परेचर भी लो होने के कारण से भी उसकी सघनता ज्यादा होती है, इस कारण से क्षेत्र के अंदर जो वायुदाब सबसे ज्यादा मिलता है। एक और कारण इसके अंदर जैसे पृथ्वी घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है या अभिकेंद्रीय बल जिसको कहेंगे हम वो जो सबसे ज्यादा यहाँ पे लगता है क्योंकि पृथ्वी की जो घूमने की गति है घूर्णन की गति है वो सबसे कम होती है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे जो वायुदाब ज्यादा पाए जाते हैं। तो मुख्यतः हमने इसको चार भागों में बांटा है, 7 पेटियां हैं लेकिन 4 भागों में बांट दिया है, जैसे एक ये कॉमन रहेगी आपकी भूमध्य रेखीय निम्न दाब प्रतिबंध, ये आपका कॉमन है उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध के अंदर 0 से 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर के 0 से 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक यानी 20 डिग्री आसपास का क्षेत्र है ये निम्न दाब प्रतिबंध कहलाता है, ये कॉमन रहेगा आपका। उसके बाद प्रत्येक जो पेटी इसके दोनों गोलार्धों में यानी कि पाई जाती है, जैसे पोषण उच्च दाब है ये उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी, इसी प्रकार से उपद्रवीय निम्न दाब प्रतिबंध है ये भी आपका उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में, और ध्रुवीय उच्च दाब जो है उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में। तो 7 पेटी हैं, 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, ये है हमारा वायुमंडल दाब का क्षेत्रीय वितरण के आधार पर जो वायुदाब की पेटी का निर्माण हुआ है। थैंक यू।